श्रीनगर से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, फरीदा इनका नाम है। जी फरीदा जी, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, बताएं। मुझे ये डायबिटीज है जी और शुगर जो ये और थायराइड की बीमारी है। मैं दिन ब दिन मोटी हो जाती हूँ, शुगर नॉर्मल रहता है, डायबिटीज भी 75 mg की खाती है। ठीक। अच्छा देखिए, जिन लोगों को थायराइड है जी और साथ में शुगर भी है, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि धनिया 200 ग्राम धनिया, जो हमारे किचन में धनिया का दाना होता है, धनिया 200 ग्राम और गुड़मार बूटी 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम और मोरिंगा का गौन 200 ग्राम, ये सब चीज़ें 200 ग्राम लेके खूब बारीक पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को खाने से कुछ पहले जी। पानी के साथ खाएं, तो इन दोनों इमराज का कंट्रोल होना मुमकिन है। हकीम साहब, शुगर डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो पहले एक उम्र के बाद होती थी, 40 के बाद अमूमन इसे देखा जाता था, लेकिन अब 40 से पहले 30 साल की उम्र में भी ये बीमारी नज़र में आ रही है, तो इसके क्या रीज़न है, क्या वजह है और इसे कैसे निजात पाया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहले तो शुगर मैंने देखा कि अपने बचपन में मैंने किसी को शुगर नहीं देखी, और एक मेरे दादा थे उनको शक हुआ कि मुझे शुगर तो नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पेशाब करते थे वहाँ पर चींटियाँ आने लगी थी, तो उनको शक हुआ तो वो इतना घबरा गए कि जैसे उनको कैंसर हो गया हो जी। और उससे पहले शुगर मैंने नहीं देखी, जब से ये पिछले 100 साल से शुगर और इन 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, मौजूदा 20 सालों में जी। उसमें सबसे बड़े गुनाहगार हम खुद हैं कि हम आसानी तलब हो गए और हमारे पास हर किसी पास गाड़ियाँ आ गई जो बगैर मेहनत के चलती हैं, स्कूटर गाड़ियाँ फोर व्हीलर, और उससे बड़ा जो रोल है वो है हमारे घरों का, हमारे घरों में पिसे हुए मसाले आने लगे तो इसकी वजह से भी शुगर होने लगी, और हमारे जो ख्वातीन हैं घर में जो महिलाएं हैं जी वो अब मेहनत नहीं करती, मतलब अगर यही मसाले जो पिसे हुए हम सबके बावर्चे खाने में किचन में रहते हैं जी, अगर ये मसाले अपने घर में ग्राइंडर है उससे पीस लिया करें, तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डायबिटीज़ नहीं होने देती और पैनक्रियाज को तंदुरुस्त रखती हैं। शुगर का काम पैनक्रियाज तमाम करते हैं, और वो मसाले जो जिन्हें हम बुरा समझते हैं उनको इस्तेमाल करें, जैसे दालचीनी, दालचीनी पैनक्रियाज को बूढ़ा नहीं होने देती और उससे उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करती है जी। और लीवर को बहुत फ़ायदा देती है, और धनिया है जो हम पिसा पिसा लेते हैं तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो धनिया हम मामूली समझ के या बड़ी बेदिली से अपने खाने में डालते हैं जी, ये हमें अगर मुतवातिर और एक बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें थायराइड नहीं होने देता, इतना फ़ायदा धनिया। तो इस वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी है थायराइड जी और शुगर यानी डायबिटीज़ जी। तो जब ये चीज़ें इनको कंट्रोल कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा करते कि पिसे हुए मसाले ना लाकर अपने घर में मसाले पीसें और इन्हें एक बड़ी तादाद में जितनी ज़रूरी है इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को घर के खाने की आदत डालें ताकि हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकें। एमपी से एक और कॉलर महेश चौधरी हमारे साथ है। जी महेश बताएं, आपको क्या परेशानी है? जी मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, जितना अच्छा कार्य का मुझे साफ करते हैं वो, मैं उनका नियमित दर्शक हूँ और थोड़ा सा उनको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ यदि हो सके तो, कि जो वो दवाइयाँ बताते हैं जी जी
वो यदि स्क्रीन पे लिख के आता है तो जैसे मान लो नोट करना हुआ तो कभी कभी क्या है सुन नहीं पाते और वो नोट नहीं हो पाता है जी। तो थोड़ा सा मेरा एक ही अनुरोध कर रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, यदि ऐसा संभव हो जाता तो अच्छा रहता है। मैं समझ गया और ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो इसकी फुटेज आपको फेसबुक पेज पर या यूट्यूब पर चली जाती है। अब हकीम सुलेमान खान को फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर रोज़ाना आपको वो नुस्खेजात जिसे आप चाहते हैं कि आप बार बार सुन सकें या लिख कर आए तो उसमें लिख कर भी आता है और उसमें शक्ल भी आती है, जैसे मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो उसकी शक्ल या लिख कर भी आता है और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। शायद आपको मालूम नहीं, आप ऐसे टेलीफोन सेलफोन इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने बच्चों से कहेंगे हकीम सुलेमान खान सर्च करेंगे, फौरन वो आपको बता देंगे। छोटे बच्चों से आप बात कीजिए, इसमें बड़े लोग मदद आपकी नहीं कर सकते, जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपकी मदद करेंगे और आपको रोज़ाना जब सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ाना मेरी तरफ से एक दो उसके जात आपको पहुंचा करेंगे और जो आप चाह रहे हैं वही सब उसमें मौजूद है। तो बिल्कुल महेश जी, हकीम साहब सिर्फ आपकी टीवी स्क्रीन तक ही मौजूद नहीं है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी उनसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप उनसे जुड़ सकते हैं और उनके पेज को लाइक कर सकते हैं, जो नुस्खे वो बताते हैं उन्हें जान सकते हैं। जी अशोक, बताएं आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या आप हकीम साहब से बात करना चाहते हैं? हकीम साहब मौजूद है। जी नमस्कार जी। जी आदाब अशोक जी, फरमाइए। सर मैंने कमर दर्द था मेरे पहले। जी जी। तो सर मैंने एक डब्बा खा लिया तो उसके बाद में 40% असर हुआ सर। जी जी। तो मेरा क्या है असल में दर्द इधर ठीक है लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ रहा सर, कोई दिक्कत आ रही है, वेट कमजोर बहुत हो गया। सर अगर एक महीने में आपको 40% फायदा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी किसी को तो 20% ही फायदा होता है एक महीने में। तो सबसे पहले आप ये दवा जब तक खाएं जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाएं। और वेट गेन तो बहुत आसान है, कोई भी कर देगा, वेट गेन पर अभी तवज्जो ना दें। वेट गेन करना बहुत आसान है, आप कोई भी नुस्खा हमारे फेसबुक से या यूट्यूब से ले सकते हैं, बहुत सारे नुस्खे जात मैंने उस पर डाले हैं वेट गेन करने के लिए भी और कम करने के लिए भी, जिसको जैसी ज़रूरत हो वहाँ से नुस्खा ले लें। लेकिन आप इसको जब तक खाएं, चाहे 2-3 महीने लग जाएं, जब तक आपका पूरा दर्द ना चला जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी दवा है, दुनिया की अच्छी दवा है, इसको इस्तेमाल आप लगातार करें और बहुत मुबारक कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। तो बिल्कुल नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवाल हैं, हकीम साहब से आप बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां कॉल कर सकते हैं सीधे हकीम साहब से, आप फ़ोन के ज़रिए यहां बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी उन्हें बता सकते हैं और जो नुस्खे हैं वो उनसे जान सकते हैं, जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो कॉल कीजिए हकीम साहब। जैसे कि यहाँ बात हमने शुगर की करी, जॉइंट पेन की करी, ये ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इतने परेशान हैं कि वे जो सजेस्ट करता है जिस तरह की दवा वो लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये भी एक पैमाना होना चाहिए कि आपको जो बताए वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आप पहले इस पर मशवरा करें, अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करके ही इस पर कंसर्न करें? हाँ देखिए, दुनिया में सिर्फ दो ही पैथियाँ हैं जो कामयाब हैं जी। पैथियाँ तो बहुत हैं, नई नई पैथियाँ भी आ गई हैं, और लेकिन दो पैथियाँ ऐसी हैं, एक पिछले 100 साल से काम कर रही है और एक हजारों साल से काम कर रही है। यूनानी पैथी सबसे पुरानी पैथी है जी। और गुज़िश्ता 100 साल में एलोपैथ ने बहुत काम किया, वाकई हम उसकी कदर करते हैं। और एलोपैथ वक्ती तौर पर इलाज की बेहतरीन दवा है। और अगर आपको आज दर्द है, अभी दर्द है और आपको स्टूडियो में आना है जी, या मुझे भी जी, तो यूनानी के पास कोई दवा नहीं है कि आप घर से खाकर चलिए और आते आते स्टूडियो पहुंचते पहुंचते आपका दर्द गायब जी। ये सिर्फ एलोपैथ बनाते हैं।
और ये अच्छी दवाएं हैं उस वक्त के लिए जब आपको ज़रूरत है। जी अगर आपको महीनों और सालों से दर्द है तो फिर आप वो दवा नहीं खा सकते, क्योंकि जहाँ एक अच्छी दवा हमें फ़ायदा करती है तो उसकी भी एक कैपेसिटी है कि बस ये 7 दिन या 15 दिन खा सकते हैं। जी इसके बाद आप खाएंगे तो जिस्म में कुछ नुकसान या होने लगेंगे, जैसे आपने देखा होगा किडनी ख़राब होना, डायलिसिस पे पहुंच जाना, जी लीवर ख़राब हो जाना, मतलब आप बहुत दिन तक एलोपैथिक दवा खाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, ऐसा डॉक्टर्स भी मानते हैं। जी तो फिर आपको यूनानी में आना चाहिए। अच्छा, यूनानी आपको फ़ायदा तो रोज़ाना ज़रा सा करती है, लेकिन वो रोज़ाना आपका ज़रा सा मर्ज दूर कर देती है, दर्द दूर नहीं करती, मर्ज, जितना मर्ज दूर करती है इतना दर्द दूर हो जाता है। तो हम पिछले 100 साल में हैबिचुअल हो गए कि हमारे दर्द हुआ और हमने एक गोली खाई तो वो पूरा ख़त्म हो फौरी तौर जाता पे तो वो ठीक है। है। और अगर आपको कोई ऐसी दवा दे कि आपको ज़रा सा फ़ायदा हो जी तो आपके वो दवा अच्छी नहीं है। लेकिन सिर्फ यही रास्ता है कि यूनानी नेचुरल दवा है जो आपको बगैर नुकसान पहुंचाए फ़ायदा करती है। आप चाहें तो एलोपैथ साथ में ले सकते हैं, वक्ती तौर पर आपके दर्द को कंट्रोल करने के लिए वो साथ में ले सकते हैं एलोपैथिक। यूनानी मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा करने के लिए एक साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं सब, जी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत ज़्यादा जब आप एक फ़ायदे वाली दवा भी खाएंगे तो आपके जिस्म में नुकसान होना तय है। तो एक और कॉलर फरहत है पंजाब से, वो भी इंतज़ार करें हकीम साहब से बात करने का, तो फरहत से बात कर लेते हैं पहले। जी फरहत बताएं क्या परेशानी है आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम हकीम साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल, जी आप हकीम साहब से ही बात कर रही हैं। जी सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वाले सलाम फरहत। जी हकीम साहब, मैं बहुत मुद्दत से इंतज़ार कर रही थी आपसे बात करने के लिए। बहुत आपकी दवाइयाँ भी ले रही हूँ मैं अच्छा और तमाम रिश्तेदार भी ले रहे हैं। मैं अपनी बेटी के लिए आपसे बात करने के लिए परेशान थी। जी 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 फरमाइए। मेरी बड़ी बेटी 21 साल की है, जी तो उसके सिर में बहुत दर्द रहता, माइग्रेन बताते डॉक्टर। अंग्रेजी दवाएं देते, नशे वाली दवाएं, सोने वाली नींद वाली दवाइयाँ। तो जी मैं इसलिए एक तो उसके लिए बात करना चाह रही थी, और एक छोटी वाली बेटी को किसी तरह से, पता नहीं किस तरह से, जो हमारे यहाँ पर काम करती लड़की रहती है उसको टीबी की रहती है। मेरे पास 2 लड़कियाँ, पता नहीं उससे हुई या क्यों हुई, तो उनको छोटी वाली बेटी को टीबी हो गई थी। उसका पूरा कोर्स हुआ, अंग्रेजी कोर्स कराया, उसके बाद में अब ठीक हो गई थी। जी कुछ दिनों से, 1 साल से उसको सुबह सुबह उल्टी जैसा महसूस होता और बहुत बलगम आता। कई बार सारा सारा दिन गया था स्कूल जाने में परेशान होती है। तो मैं इन दोनों बच्चियों के लिए आपसे बात करना चाह रही थी। कफ उसको अभी आता है, अगर इलाज पूरा नहीं है तो इलाज पूरा ज़रूर करें। यूनानी में, एलोपैथ में इसका सबसे अच्छा इलाज है, जो आप इलाज कर रहे हैं वही अच्छा है। तो मैं एक नुस्खा आपको बताता हूँ और वो है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें पाउडर बना लें। और अगर बच्ची ये इसका पाउडर नहीं खा सके तो इसके हम वज़न शहद में मिलाकर एक माजून बन जाती है, और ये 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ इसे दिया करें। अमल मैं आपको बताता हूँ, अगर वो बच्ची को आप कराएं रोज़ाना तो हो सकता है वो बगैर दवा के भी ठीक हो जाए, और रिपोर्ट हमसे शेयर करेंगे तो हमें और मदद करने में आसानी होगी। देखिए बच्ची को ऐसे ऐसे, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ समझ लीजिए, ये रोज़ाना 2 मिनट करना है ऐसे, और 2 मिनट ऐसे 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 ऐसे, 2 मिनट ऐसे पूरे दिन में, चाहे एक एक मिनट करके किस्तों में करें, और जो दवा उनको दे रहे हैं वो देते रहिए। कोई भी ऐसी खातून जो मर्दों से बात करते में झिझकती हो या कुछ इंटरनल मसला हो तो हमारी खातून डॉक्टर से आप दिन में बात करें, और इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल मदद की जाएगी।